खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है और इससे कैसे बचा सकते हैं? स्पेशली जो आफ्टरनून में मील होता है, लंच की बात करें, दोपहर में आप खाना खाते हैं उसके बाद बहुत तेज़ नींद आती है और आप जो भी काम करने जा रहे होते हैं उसमें मन नहीं लगता है, या तो पढ़ाई की बात करें या तो कुछ काम करने की बात करें, तो ऐसा क्यों होता है? तो खाना खाने से दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हमारे शरीर में जिसके कारण ये नींद आती है। पहली बात यह है कि जैसे आप खाना खाते हो तो खाने खाने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज आपके बॉडी में जैसे पहुंचता है आपके शरीर में इंसुलिन का स्पाइक होता है और इस इंसुलिन की वजह से नींद आती है। तो खाना खाने के बाद जो आपको थकान का एहसास होता है, एक सुस्ती सी लगती है या नींद लगती है, वो ये हाई इंसुलिन की वजह से होती है। इसलिए ऐसे खाने जिसमें कार्बोहाइड्रेट का नंबर ज़्यादा हो वो खाना खाने के बाद ये ज़्यादा आलस, सुस्ती और नींद का एहसास होता है। और दूसरा, ऐसे खाने जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो। प्रोटीन में क्या होता है कि एक अमीनो एसिड होता है स्पेशली ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन में क्या होगा कि इससे बनता है सेरोटोनिन। अब ये सेरोटोनिन एक केमिकल है हमारे शरीर में बनता है जिसकी वजह से नींद आती है। सेरोटोनिन का लेवल अगर एलिवेट होगा तो आपको नींद आएगी। ये सेरोटोनिन के लेवल ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, मूड अच्छा होने पे तब भी एलिवेट होता है, इसलिए नींद अच्छे से आ जाती है। तो अगर आप हाई प्रोटीन डाइट या हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं तो उससे इन दो कारणों की वजह से नींद आती है और सारे लोगों में ही ये देखने को इसी तरह का रिस्पांस रहता है। इसलिए अगर आपको आ रही है तो कोई इसमें बेकार बात नहीं है या कोई बुरी बात नहीं है। और ये जो नींद है ये खाने के अमाउंट पे भी डिपेंड करती है। आप जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी संभावना है नींद ज़्यादा आने की। तो अगर नींद से बचना है दोपहर के खाना खाने के बाद नींद ना, इसके लिए क्या करें? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको कम खाना है, लाइट मील लेना है, लंच में कम खाना खाना है। आधी समस्या तो आपकी उससे साल्व हो जाएगी। दूसरा, जो आप खाने का टाइप है, जो लंच में आप खाते हो खाना, उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को कम क्वांटिटी में खाएं। ज़्यादा कोशिश करें सब्जियां और फल हो। फल खाने के बाद अगर आपने कभी एहसास किया होगा कि नींद या आलस, थकान जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती, तो एक चीज़ तो ये कर सकते हैं कि आप खाना कम खाएं और साथ में सब्जियां और फल आपके खाने में होना चाहिए दोपहर में। एक तीसरी चीज़ ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉकिंग करें, 5-10 मिनट चल फिर लें या किसी से बात कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि एक लाइट थेरेपी हम लोग बोलते हैं कि अगर खाना खाने के बाद तेज़ लाइट में रहा जाए, कुछ काम किया जाए, लाइट डिम ना हो, तो भी नींद की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप अपना के जो दोपहर की नींद है उससे बचा जा सकता है। पर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर आपको यही रहेगा कि आप खाना कम खाएं, दोपहर का खाना हल्का रखें और खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम रहे। तो इससे ही आपका काम हो जाएगा। और बाकी ये जो कुछ बातें मैंने बताई हैं उनका भी ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद आप थोड़ा टहल सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, कोई म्यूजिक सुन सकते हैं। इसके अलावा ऐसी जगह पे काम करें जहाँ लाइट सोर्स ज़्यादा हो। तो इन कुछ चीज़ों को अपना के हम ये जो दोपहर खाना खाने के बाद जो थकान, सुस्ती लगती है या नींद आती है, उससे हम लोग बच सकते हैं।